हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं वेनिला स्पंज केक। इसे थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें हमने कलर भी ऐड किया है। तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिए कि मैंने इसमें क्या क्या चीजें मिलाई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं वेनिला स्पंज केक। वेनिला स्पंज बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 कप शुगर लिया है। अब इसमें 1/2 कप वाटर डालेंगे हम। इस 1/2 कप वाटर में 1/2 कप दही डालेंगे। दही वाटर में मिलके बटर मिल्क बन जाएगा। चाहे तो आप एक अलग बाउल में 1/2 कप वाटर 1/2 कप दही को पहले से ही बटर मिल्क बना के डाल सकते हैं, या इस तरीके से भी आप डाल सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसका कर्डल हटाने के लिए हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जो शुगर हमने लिया है वो अच्छी तरह से इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। अब इसमें 1/2 टीस्पून हम सोडा मिलाएंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसे हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे 1 to 2 मिनट्स के लिए। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सीव करेंगे। उसके लिए यहाँ पर 1 कप मैदा लेंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे और इस दोनों ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से सीव कर लेंगे। देख रहे हैं इस लिक्विड में कैसे सोडा का इफेक्ट आ रहा है, इसमें बबल्स दिख रहे हैं। अब इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम इसमें मिलाएंगे। धीरे धीरे करके हम इसे मिक्स करेंगे। आपको इसे मिक्स जब करेंगे तो एक ही डायरेक्शन में चलाइएगा। अब इसमें हम 1/4 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल को डाल के इसको अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डाल देंगे, क्योंकि ये हमारा वेनिला स्पंज है इसलिए हम इसमें 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डालेंगे। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से स्क्रैप करेंगे। अगर इसे आपको कलरफुल बनाना है स्पंज को, तो आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रेड कलर यूज कर रही हूँ। आप कोई सा भी कलर इसमें मिला सकते हैं। अब हम एक बाउल ले लेंगे, इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। अब इसमें इस मिक्सचर को हम डाल देंगे। अब इसे थोड़ा और अच्छा डेकोरेटिव बनाने के लिए इसके ऊपर हम टूटी फूटी डाल देंगे। आप अगर आपके पास टूटी फूटी नहीं है तो आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। इसे हम अभी माइक्रोवेव में बनाएंगे। माइक्रोवेव में इसे 5 मिनट्स के लिए हम रखेंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है, ओटीजी है, तो ओटीजी में इसको 180 डिग्री पे आपको 30 to 35 मिनट्स के लिए रखना पड़ेगा। माइक्रोवेव में हम इसे हाई डिग्री पे रखेंगे। ये हमारा केक बनके रेडी हो गया है। अब इसे हम डीमोल्ड करेंगे। तो ये हमने केक को डीमोल्ड कर दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूले। और अभी तक आपने मेरे चैनल मोनिकास किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले, ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।